अच्छा, एक बहुत अच्छी बात हो गई कि जैसे जब हम महामंत्री हुए तो उसके बाद फिर वो अनिल गुप्ता सर हटे और प्रवीर सर आ गए। प्रवीर सर इतना मानते भी थे, मतलब इतना अच्छा अधिकारी शायद ही कोई मिलेगा, मानते ये भी हैं, चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो है प्रवीर सर जैसी बात किसी नहीं। ये तो बहुत हैरानी है, जल्दी हट जाए उतना अच्छा है। चल रहा देख रहे हैं, कह रहे हैं अपना आदमी इज्जत बना के वो करके खड़ा है, यही बहुत है। क्या शासन में सब ये सब है तो लोग बोलते हैं जैसे अरे जबरदस्त कि 75 ठो जिले में 40 ठो डीएम जो है ठाकुर है, ब्राह्मण 2-3 ठो है केवल। नहीं तो वो तो ऑप्शन नहीं, उनके बाद में तो करेंगे क्या? ऑप्शन कहा नहीं यार, इतने सारे आईएएस कर रहे हैं पंडित वाले में, पंडित वाले में बहुत पढ़े हैं यार, एक से एक डीएम जो है पंडित ब्रह्मदेव तिवारी सर को जो है उनको रोक रखा है, आलोक तिवारी आलोक जो है दुबे सर जो है चले गए वापस अपने आप वहां से पोस्टिंग करा के, इतने सारे आईएएस पढ़े हैं यार, अभी तो जो है इतना मतलब आईएएस तो वैसे भी पंडित ज्यादा है यार, तो छांट छांट के लाता नहीं होता है तो वो ब्राह्मण एंटी ब्राह्मण है ना वो, ये तो वो मान लो जैसे नहीं है ठाकुर खत्म तो अब वो ओबीसी कर देगा, एससी कर देगा, लाला कर देगा, ब्राह्मण नहीं करेगा, ब्राह्मण नहीं करेगा उसके बदले एससी एसटी कर देगा। हाँ, उसके बदले चाहे जिसको कर देगा, ब्राह्मण नहीं करेगा। हमको लोग बोलते थे लेकिन हमारे इतना नहीं तैयार कि हम किसी से पूछ सके, बहुत खराब है यार, बहुत खराब स्थिति। तो दो तो चंगू मंगू भले बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी भी अपने उस पे बैठे हैं, दम पे बैठे हैं, बस खाली है, लेकिन उनके पास कोई पावर थोड़ी ना है, कुछ नहीं है, बस खाली बैठे हैं। अवनीश अवस्थी को इसलिए लेके टहलता है कि यस मैन है पूरी तरह से, जो चाह रहे हैं जो है 10 पे कार्रवाई करता तो उसमें 5 ब्राह्मण होते हैं। अच्छा ये बताओ, सोनू मोनू विजय सिंह और जो है तुम्हारे जो है राजा भैया, ये सब सब नहीं क्रिमिनल, सब पंडित क्रिमिनल है। विजय मिश्रा पूरा घर तोड़ दिया वहां जिस तरह से, और वो कर दिया क्या ब्राह्मण टाइट हो, क्रिमिनल मिलेंगे तुमको गिनती के 4-5 मिलेंगे पूरे प्रदेश भर में, थोड़ा सा दबंग है। ठाकुर ठाकुर तो होते पैदा इसी जो है।